हाँ जी सर, मेरा नाम कुलबीर सिंह है, मैं जे एंड के इलेक्टेड एम्प्लाई यूनियन का प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हूँ और न्यू कॉलेज कमेटी का एक मैं मेंबर हूँ। आज हमारी जो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब था, हमारी 26/11 को हमारी कॉर्डिनेशन कमेटी बनी थी और उसमें हमारे एक मेंबर पेंडिंग रह गए थे आईटी टूर्नामेंट होल्डर के प्रेसिडेंट जसवीर सिंह सर, उन्होंने आज हमारे बीच में ज्वाइनिंग की है। हमारे जो मेन इश्यूज हैं ऑलमोस्ट जसवीर सिंह जी ने, बलबीर सिंह ने और मेहरा साहब ने ऑलमोस्ट डिस्कस कर दिए हैं, मेरा उनको मैं आगे थोड़ा फॉरवर्ड करूंगा। मेरा कहना ये मतलब है, हमारा काम सिर्फ दरिया डालना, जैसे मेहरा साहब ने कहा, या नारे मारना हमारा काम नहीं था। हमारे बड़े छोटे से इश्यूज हैं जो चीफ मिनिस्टर तक और एमडी साहब साल हो सकते थे, हमें जूस किया गया। हमारे साथ किसी को दुश्मन नहीं है, उनके बहुत बड़े मसले हैं, उनके ऊपर सर के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ है, हम नहीं चाहते कि हमारा बोझ लेके वो चले। हमारा एक ही मुद्दा कि हम अपनी डिमांड्स हैं, हम अपने खुद उसको सॉल्व करवाएंगे, हम खुद लेके चलेंगे। और दूसरा मसला है कि जो हमारा मीडिया है 2008 से लेके आज तक, जो मीडिया ने हमारा साथ दिया शायद किसी ने नहीं दिया। अगर मीडिया हमारा साथ ना दे, हमारे मसले हल नहीं हो सकते। पर मैं आपके माध्यम से फिर ये गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ, प्रिंसिपल साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारे कोई बहुत बड़े मसले नहीं है, हमारे डीपीसी के इश्यूज हैं, चाहे किसी भी कैडर का हो, चाहे वो क्लर्क का हो, चाहे ड्राफ्टमैन का हो, टेक्नीशियन का हो, चाहे लाइनमैन का इश्यूज हो। और मेन जो वर्निंग इश्यू हमारा पीटीएल डेली वेजर का है, जो 25-25 साल का डेली वेजर आज भी वो डेली वेजर ही मर रहा है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो रिटायरमेंट की कगार पर खड़े हैं, बूढ़े हो गए हैं, मेरे डिपार्टमेंट को रेगुलर करने की आगे प्रोसीज नहीं कराया। मैं आपके माध्यम से फिर ये रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट से कि जो मेरे हमारे इश्यूज हैं वो बहुत बड़े इश्यूज नहीं, हमारे इश्यू को रिजॉल्व किया जाए ताकि हम लोग स्मूथली काम करें। और जो जेईज का इश्यू, हमारे आईटी साहब डिप्लोमा होल्डर ने कहा 400 जेई की कमी है, और 400 जेई का काम हम टेक्नीशियन लोग ही कर रहे हैं, स्मूथली सिस्टम को चला रहे हैं, हम रेवेन्यू क्रेशन कर रहे हैं। और अगर गवर्नमेंट को ऐसा कोई लगता है कि ये काम नहीं कर रहे, हमारे जो अफसर जिन्होंने ऑर्डर्स किए हैं वो कंफर्म कर रहे हैं कि क्या ये लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या ये रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट को ये फिर एक बार कहना चाहता हूं कि हमारे जो इश्यूज हैं ये हमारे रिजॉल्व करें ताकि हमें जरूरत ना पड़े कि हम रोड पे आए। और मैं मीडिया का फिर एक बार धन्यवाद करता हूं जिन्होंने आज से हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर किया। थैंक यू वेरी मच।